بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مسجد دے وچ بیٹھے ہیں अल्लाह दे घर च बैठे हैं किथे बैठे हैं जी अल्लाह दे घर च बैठे हैं तो अज दे जुमे दा इंशाल्लाह मौजू भी मुहब्बत मुस्तफा है तो ये वो गल हुई कि प्यो ने पुत्र नूं कहा पुत्र पानी लै के आ अब्बा जी जो तुहाडा हुक्म पांच क मिनट नंगे गर्मियां दा दिहाड़ा अब्बा जी ने फिर कहा बेटा जी पानी तो लै अब्बा जी तुहाडा हुक्म से रखां दे फिर पांच क मिनट नंगे यानी कि गल मननी नहीं बस हाँ जी कही जाना तो नबी नाल मुहब्बत होवे अल्लाह दे घर च बंदा बैठा होवे तो मौलवी दरूद पढ़न डिया होवे तो थले बैठा बंदा मूँह ते हथ रख के घूरियां पाई जावे मौलवी नूं तो ये माड़ी गल एक बार मिल के दरूदे पाक पढ़ो मुहब्बत वाले बैठे हो बड़ी चाहत ते अकीदत वाले बैठे हो एक बार मिल के ज़रा गूंज पै जाए तो जिहड़े बाहर बैठे ने उन्हां नूं भी पता लग जाए कि अंदर जिहड़े बैठे ने वो मुहब्बत वाले बैठे ने किहड़े बैठे ने तो जिहड़े मस्जिद दे सेन दे अंदर तशरीफ फरमा ने ओ मेरे सामने बुजुर्ग कुर्सी दे पिछे बैठे ने आ हजूर बैठे ने अगे अंदर तशरीफ लैओ और यकीन मनो मौलवी दे कोलों पिंड दे विच कोई एम पी एम एन ए आ जाए ना तो जिस बंदे नूं नाम ही ना पता होवे वह भी बंदा जाके बहिंदा लै भी अज डाक्टर सार आया तो नेड़े होके बहना तस्वीर च ना आ जाए असी दुनियादारा दे कोलों दुनिया का मुफाद लैण वास्ते कोल होके बह जाने तो जो रब दे हबीब का जिक्र होवे ते उहदा जिक्र करांगे ते अल्लाह दे करीब हो जावांगे इस वास्ते जिहड़े साथी बाहर तशरीफ फरमान ने बड़ी मुहब्बत नाल प्यार नाल मत्थे ते वट भी नहीं पाउणा कि मुहब्बत वाला मामला ते प्यार दी गल प्यार नाल होवे ते चंगी एक बार मिल के पढ़ लईए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद
मजीद की मुहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुहम्मद से वफा तूने की मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे शायर ने किड़ा खूब जुमला कह दिता कि पत्थर को तराशा तो नगीना बना दिया पत्थर को तराशा माहौल बन रहा यकीन करो सुभान अल्लाह जड़ी ना वो जिदा गड्डी बगैर तेल तो नहीं चलती तो मौलवी बगैर सुभान अल्लाह तो नहीं चलता तो मैनू यकीन करो अल्लाह वाहद जानदा मैनू अब्दुल मजीद रहमानी साहब मेरे अमीर और खाल साहब जान देन दियो साहब अब्दुल रज़ाक साज साहब अमीर जमात अहले हदीस उन्होंने साहबजादे ने दसिया उन्होंने कहा जी जिथे तुम चले हो बंदे ही बड़े जौक वाले जी बंदे ही बड़े जौक वाले आ ते पता लग जाए पत्थर को तराशा तो नगीना बना दिया पत्थर को तराशा तो नगीना बना दिया सहरा को मेरे रब ने सहरा को मेरे रब ने मदीना बना दिया पत्थर को तराशा तो नगीना बना दिया सहरा को मेरे रब ने मदीना बना दिया सारे जहान के सारे जहान के सारे जहान के फूलों की खुशबू नचोड़ कर सारे जहान के फूलों की खुशबू नचोड़ कर मेरे रब ने मुहम्मद का पसीना बना दिया है तो फिर इंज ना तर्जमा कर लीए जरा एक बारी सारे मिल के मेरा हादी मेरा मुर्शद हसनैन दा नाना है जिदा हादी ते मुर्शद मेरा नबी है ना उन्हें कहना कि हसनैन दा नाना दूजे नूं नहीं मेरा हादी मेरा मुर्शद हसनैन दा नाना है नौकर मेरे मुर्शद दा नौकर मेरे मुर्शद दा है सारा जमाना है आओ फिर जरा दुनियादारी वाल आओ जरा दुनियादारी वाल नज़र दौड़ाइए किसी दे जनाबे वाला पीर दे मैं जिन्हों की बैत की उन्हों की तादाद लखा दे अंदर किसी की तादाद हज़ारा दे अंदर किसी की हज़ार जनाबे वाला एक हज़ार किसी की दस हज़ार किसी का 500 मरीद बत्ती वालियां दी अपनी पीरो मरीदी आओ जरा गौर कर दे जाना जरा तवज्जो करना कि मैं वेखना चाहना कि जिन्हों मैं ते तू पीर मनिया ओदा किन्ना क मुरीद मेरा हादी मेरा मुर्शद हसनैन दा नाना है नौकर मेरे मुर्शद दा नौकर मेरे मुर्शद दा है सारा जमाना है
नौकर मेरे मुर्शद दा है सारा ज़माना आए हो जेड़ा गल ना करे उस दी हो जेड़ा गल ना करे उस दी ओ दी गल भी ना सुनिया जे असा अपने या बच्चे आनो असा अपने या बच्चे आनो एहो सबक पढ़ाना है असा अपने या बच्चे आनो एहो सबक पढ़ाना है कि मेरा मुर्शद मेरा हादी हसनैन दा नानाए हमदो सना दे तमाम मुबारक कलमात उस अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जाते आला उबाला वास्ते जो सारी कायनात दा पालनहार है मददगार है बिगड़ियां बनाने वाला है दरूदो सलाम पैगंबर कायनात इमाम आज़म फ़ख्र आज़म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते आला उबाला वास्ते बख्शिशो मगफरत दियाँ दुआवां सहाबा इकराम वास्ते तबाइन वास्ते तबा तबाइन वास्ते और खसूस बिल खसूस जिन्हें भी असी इस मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा हाँ या जिन्हें कन्ना के अंदर मेरी आवाज़ पै रही दुआ करो कि साढ़े चो किसी की वालद वालदा एक या दोवे इस दुनिया फानी तो चले गए अल्लाह साढ़े माँ बाप की बख्शिश फरमाए साढ़े माँ बाप दियाँ कबरां दे उत्ते करोड़ां रहमतां दा नज़ूल फरमाए और साढ़े चो जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने अल्लाह सानू अपने माँ बाप का अदबो एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए हजराते दी वकार सब तो पहले मैं शुक्रगुजार हाँ इस मस्जिद की इंतजामिया का और जिन्हां ने एक बड़ा प्यारा प्रोग्राम मुनक्कद किया और उस तो बाद वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम किबला कारी इमरान साहब आसफ सल्फी साहब अब्दुल मजीद रहमानी साहब जिहड़े साथी अमीपुर बंगले चो सत चक चो दीगर पिंडा चो आए ने अल्लाह उन्हां दा आना कबूल फरमाए हजराते मोहतरम जिहड़ी आयात करीमा दा कुछ हिस्सा तिलावत करने दा शरफ हासिल कीता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना किते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया मन युतिउर रसूला फ़कद अताअल्ला के तुसी मेरे नबी दे उसवाए हसना ते चलना है जिंदगी गुजारन वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर लारैब और बेऐब किताब के अंदर फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून के ए जिन्नों ते इंसानों असी तुहानू पैदा कीता मैं रब ने तुहानू पैदा फरमाया इल्ला लियाबुदून ताकि तुसी मेरी इबादत करो की करो मेरी इबादत करो अज तुसी दुनिया का कोई भी मामला लै लो कोई किसी किस्म का कोई चीज़ चाबी ना स्टार्ट हो रही है या धक्का ला के स्टार्ट हो रही है ये अपने आप चल रही है हर चीज़ नू चलाउण वाले की जरूरत है किसी ना किसी ड्राइवर की जरूरत है किसी ना किसी की इसलाह की जरूरत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा ए फजल और करम है कि मेरे रब्बे हकीकी ने तुहानू ते मैनू पैगंबरे कायनात इमाम आजम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह मिल के कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे घर दे अंदर पैदा फरमाया अल्लाह दा बड़ा वड्डा करम है बड़ी अल्लाह दी करम नवाजी है हजराते जी वकार असी मुसलमाना दे घर दे अंदर पैदा होए कन दे अंदर अजान आ गई कलमा पढ़िया मुसलमाना दे घर दे अंदर पैदा होए ज्यों ज्यों वड्डे होए मस्जिद दे अंदर चले गए एक पिंड दे अंदर असी रह रहे हाँ रिश्तेदारियां भी आपस के अंदर ने ताल्लुकात भी आपस के अंदर ने मुहब्बत ते प्यार भी आपस के अंदर ने मगर जदों असी एक मस्जिद के अंदरों दूसरी मस्जिद का सफ़र करते हैं मुहब्बत भी बदल जाती है चाहत भी बदल जाती है
रिश्तेदारी भी बदल जाती है। कोई नमाज़ किस तरीके नाल पढ़दा, कोई नमाज़ किस तरीके नाल पढ़दा, किसे ने इमाम कोई बनाया, किसे ने इमाम कोई बनाया। हर बंदे ने, हर मुसलमान ने, तमाम मकतबाए फिक्र दे लोगों ने अपनिया अपनिया मस्जिदा बनाइया, अपने अपने इमाम मुंतखब कर ले। अनपढ़ बंदा रौले दे अंदर पै गया। अनपढ़ बंदे नू पता नहीं लगता कि मैं किधर जावा, किदी इक्तदा करा, किदा मुक्तदी बन जावा, कि मैं भी अल्लाह दियाँ जन्नतां दे अंदर चला जावा, मैं भी कामयाबो कामरान हो जावा। हजराते जी वकार, अल्लाह दी बारगाह सवाल करिए, या रब्बुल आलमीन, असी ते बड़े जाहल जै बंदे हाँ, अल्लाह साढ़े कोल इलम नहीं। अल्लाह जी जमाने दे अंदर असी वेखदे हाँ लड़ाइयां ते झगड़े बहुत ने, फसादात बहुत ने, या रब्बुल आलमीन साडा फैसला फरमा दे। अल्लाह सोहणिया सानू कोई ऐसा इमाम दे दे कि जिहड़ा सिरात मुस्तकीम ते होवे, जिहड़ा सीधे रस्ते ते होवे, सानू पता लग जाए कि असी किदे रस्ते ते चलना है। या रब्बुल आलमीन, असी ते रौलियां दे अंदर पै गए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान बोलिया, मेरे रब्बुल आलमीन ना कुरान बोलिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दे अंदर वाजिया फरमा दिता कि लै आ जिहड़ा मैं एड्रेस तुहानू देन लगा, इहदे पिछे चलना तुहाडा काम है, ते जन्नत दे अंदर लै के जाना मेरा काम है। आओ जरा गौर करना अल्लाह दे कुरान ते, आओ मुसलमानों जरा गौर कर दे जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर थोड़ी जी को खोल सकदी, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सवाल कीता, या रब्बुल आलमीन ऐ नीली छत दे आ मालिका, ऐ सारी कायनात नू पालन वाले आ, ऐ सारी कायनात दे निजाम चलाउण वाले आ, ऐ सारी कायनात नू पालन वाले अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन ऐ नीली छत दे आ मालिका। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सवाल कीता, या रब्बुल आलमीन इते दुनिया दे उते बड़े रौले पै गए। हर बंदे ने कोई कहंदा फला इमाम नू मन्नो, कोई कहंदा फला इमाम नू मन्नो, कोई फला इमाम नू मनो। अल्लाह जी तुसी सानू दसो, अल्लाह जी असी किनू मनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं तेनू पैदा करन वाला, मैं तेरा रब आ, मैं तेरा खालिक ते मालिक आ, आ दरा तू मेरे वल वेख। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इन्सा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुहानू मैं पैदा फरमाया, मैं वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा, जिन्ना ते इंसाना नू पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह दी ज़ात। फिर अल्लाह दा कुरान पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान पढ़ो। पहले तो असी कुरान नू वेखिए, कुरान दे अंदर किते कोई शक ना कर लवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला रईबा फी, ला रईबा फी हुदल मुत्तकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है जड़ा मेरा कुरान है, ये कुरान ला रैब बेऐब, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं। हुण सानू पता लग गया कि कुरान के अंदर, कुरान के अंदर कोई शक नहीं। जड़ा बंदा कुरान ते अमल करता जाएगा मुत्तकीन के अंदर शामिल हो जाएगा, वह बंदा मुत्तकी बन जाएगा, परहेजगार बन जाएगा। फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर सवाल किया, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन सानू पता लग जाए असी केड़े इमाम नू मनिए, असी केड़े इमाम दी पैरवी करिए, किदी तदा करिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आओ जरा सूरते यासीन वल चलिए। खालके कायनात ने फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन कलमिन मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। आओ ईमान वाले जरा गौर कर दे जाना, अल्लाह दा कुरान खोलिया, अल्लाह दे कुरान ने दसिया फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम
ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਕੁਰਆਨਿਲ ਹਕੀਮ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਹਕਮਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਦਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਕੁਰਆਨਿਲ ਹਕੀਮ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਹਕਮਤਾਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਕੁਰਆਨਿਲ ਹਕੀਮ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਦਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਦਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਦ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਵਜੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਕੁਰਆਨਿਲ ਹਕੀਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਆ ਮਾਲਿਕਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਹਕਮਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਬੜੀਆਂ ਦਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਰੌਲੇ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੋਲੋ ਕੁਰਾਨ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਸੀਨ ਵਲ ਕੁਰਆਨਿਲ ਹਕੀਮ ਇਨਨਕਾ ਲਮੀਨਲ ਮੁਰਸਲੀਨ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ, ਇਨਨਕਾ ਲਮੀਨਲ ਮੁਰਸਲੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸਲੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਖਰੁ ਜ਼ਮਾ, ਵਜ਼ੂਹਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ, ਵੱਲੈਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਾਜ਼ਾਗ ਦੇ ਕਾਜਲ ਵਾਲਾ, ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲਾ, ਕਦ ਨਰਾ ਤਕੱਲੁ ਬਵਜਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਇਨਨਕਾ ਲਮੀਨਲ ਮੁਰਸਲੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਵੀ ਆਏ, ਨਬੀ ਈਸਾ ਵੀ ਆਏ, ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਲਮੇ ਦੀਨ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਪਿਆਰੇ ਮੂਸਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੂਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਰਿਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਿਜ਼ਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਬੀ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਂ ਪੈਗੰਬਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਹਿਮਦ ਮੁਜਤਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਨਕਾ ਲਮੀਨਲ ਮੁਰਸਲੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਨਕਾ ਲਮੀਨਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਅਲਾ ਸਿਰਾਤਿ ਮੁਸਤਕੀਮ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਅਲਾ ਸਿਰਾਤਿ ਮੁਸਤਕੀਮ।
है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गारंटी की दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अला सिरात मुस्तकीम, ये जड़ा मेरा पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह है ये हक ते है, ये सिराते मुस्तकीम है। फिर अल्लाह दा कुरान बोलिया जगह जगह ते बोलिया किते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज बअथ फीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता। आओ जरा अल्लाह दे कुरान ते गौर करो किते खालिक कायनात ने फरमाया मन युतिउर रसूल फकद अता अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे नबी दे रस्ते ते चलो, मेरे नबी दी इतात ओ फरमा बरदारी कर लो तुसी कामयाब हो कामरान हो जाओगे। है किसे दी गल नहीं मन्नी अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम। अज कोई जो मर्जी कहता रहे फला इमाम बड़ा फला इमाम बड़ा, असी चारे इमामां नू हक ते मनदे आ। एक नारा लगता है कि चारे इमाम हक दे इमाम, हक दी जड़ी चीज़ होवे उहदे अंदरों एक कढ लईए तो दूसरी तो फिर नक्श पै गया। अगर चारा चो एक नू छड़ दईए तो फिर तिना की बात ना मुकम्मल। अगर इमाम अबू हनीफा की बात मनीए तिना चो एक नू छड़ दईए फिर भी बात नहीं, फिर भी मुकम्मल नहीं दीन, फिर भी दीन दे अंदर दरार आ गई। इहदा नक्शा अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम ने खिंच दिता। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कौर रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम दे सहाबी ने अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम दी इन्हां दी ड्यूटी लगी लगी सी कि जो मेरे नबी अली सलाम अपनी जुबान मुबारक चो कढ दे ते इह लिख लैंदे। एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम दी नज़र रहमत पई, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बैठे ने लिखते नहीं पाए। आओ जरा गौर करना मुआजना करना अज दे इमाम दा ते इमाम आजम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ जरा तवज्जो कर दे जाना इधरों मेरे नबी दियां नज़रां हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ते पै गई। अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला लिखदा नहीं, अब्दुल्ला तू लिखदा नहीं पिया। हज़रत जनाबे वाला मेरे नबी दे सहाबी अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाह भी सोने, मेरी अम्मा भी तुहाडे तो कुरबान, मेरा बाबा भी तुहाडे तो कुरबान। या रसूल अल्लाह कुछ साथियों ने मैनू मना फरमा दिता, मैनू मना फरमाया नबी कदी गुस्से दे अंदर कदी खुशी दे अंदर कदी गमी दे अंदर कदी जनाबे वाला गुस्से दे अंदर तू हर बात नू ना लिखिया कर, हर बात नू ना लिखिया कर। नबी अली सलाम जिहड़ी गल दा हुक्म देन ओ गल लिखिया कर, दूसरी बात नू ना लिखिया कर। अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम कदी किसे मूड च हुंदे ने कदी किसे मूड च हुंदे ने, हर गल नू ना लिखिया कर। जदों इन्नी गल मेरे नबी अली सलातो सलाम ने सुनी ते अल्लाह दे नबी अली सलाम ने की फरमाया, फरमाया उकतुब, फरमाया अब्दुल्ला लिख, मेरी हर बात नू लिख, मेरे हर लफ्ज नू लिख, मेरे हर हरफ नू लिख, क्योंकि मेरी जुबान उन्नी देर बोलती नहीं जिन्नी देर अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। है अल्लाह का हुक्म ना आ जाओ। आओ फिर मुआजना कर लीए, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे भी शगिर्द ने, आप दे भी शगिर्द ने, वह भी लिखते ने। वो एक दिन आप दियां बातां नू लिखते पे ने, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह दी नज़र पै गई, मुआजना तुसी करना है, बात मैं करन लगा। एक पैगंबरे कायनात इमाम आजम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बात है, दूजी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह दी बात है। इमाम साहब दी नज़र पई वो लिखी जा रहे ने, इमाम साहब बात करते ने वो लिखी जा रहे ने। इमाम साहब ने सवाल फरमा लिया ये की कर रहे हो की लिखते पे हो। अगो शगिर्द ने जवाब दिता, काजी अबू यूसुफ जवाब देंदे ने या इमाम तुसी जो बात कर दे हो मैं हर बात नू लिख लेना, हर बात नू नोट कर लेना ताकि सानू कल नू जरूरत पेश आवे ते साडे कोल हर चीज़ लिखी होवे। ते इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ला की फरमाउंदे ने, आप फरमाउण लगे मेरी हर बात नू लिखिया ना कर, मेरी हर बात नू ना लिखिया कर, मेरी अज राय और है कल नू और है बदल जाएगी। इधरों मेरे पैगंबरे कायनात ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयू युहा, मेरे नबी ने फरमाया मैं गुस्से दे अंदर बोला, मैं गमी दे अंदर बोला, मैं खुशी दे अंदर बोला, मैं बीमारी दे अंदर बोला, मैं हंस के बोला, मेरी हर बात नू लिखिया कर, तुहाडे वास्ते जरूरी है।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਤ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵਫਾ ਈਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮਨਤੁ ਬਿੱਲਾਹੀ ਵ ਮਲਾਇਕਾਤਿਹੀ ਵ ਕੁਤੁਬਿਹੀ ਵ ਰੁਸੁਲਿਹੀ। ਅਤੇ ਨਬੀ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਤਾਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਾਇਨਾਤ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਤਾਤ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਤਾਤ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਦੀਸ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਤਾਤ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਲਾ ਤੁਕੱਦਿਮੂ ਬੈਨਾ ਯਦੈਲਾਹਿ ਵਰਸੂਲਿਹਿ ਵੱਤਕੁੱਲਾ ਇਨੱਲਾਹ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਆਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਓ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਕਦ ਕਾਨਾ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿਲਾਹਿ ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਤੀਉੱਲਾਹ ਵਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲਾ ਵਲਾ ਤੁਬਤਿਲੂ ਅਅਮਾਲਕੁਮ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਇਤਾਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਵਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲਾ, ਮੇਰੀ ਇਤਾਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਤ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਨ ਨਿਸਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਵਫਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ, ਇਹ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖਣਾ, ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਤਾਤੋ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ, ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਮਹਬੂਬਾ ਫਿਦਾ ਕਾ ਉਮੀ ਵਾ ਵੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਪਈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁਤੀ ਰਸੂਲਾ ਫਕਦ ਅਤਾ ਅੱਲਾ। ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਕਦ ਕਾਨਾ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿਲਾਹਿ ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਉਮਰ, ਤੂੰ ਕਾਮਿਲ
कामिल ईमान वाला नहीं बनया, हजे तक तू ईमान वाला, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। हजरत उमरे फारूक ने अर्ज की, सोने आ क्यों ईमान मुकम्मल नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिनी देर सारी कायनात नालों वध अपने माल औलाद नालों वध अपनी जान नालों वध मेरे नाल प्यार नहीं करेगा, मेरे नाल मुहब्बत नहीं करेगा, तू कामिल ईमान वाला बन ही नहीं सकता। है फरमाया, तू कामिल ईमान वाला नहीं बन सकता। ए मेरे नबी नू मनन वाले, मेरे नबी नाल प्यार करन वाले सैयदना उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमरे फारूक ने जिस वेले इनी बात सुनी, हजरत उमरे फारूक ने अर्ज की, सोने फिदा का उम्मी वाबी, सोने अगर ये गल अज तो बाद मैं उम्र सारी कायनात नालो वध अपनी जान नालो वध भी मां मुलंबिया नाल प्यार करदा वा। है अज साडा माशरा की है, अज नबी की बात आ जाए, अज रफाई दहन की बात आ जाए, अज आमीन बिल जहर की बात आ जाए, फातिहा खलफल इमाम की बात आ जाए, रफाई दहन की बात आ जाए, असी जनाबे वाला अपने नक वल वेने, अपने जनाबे वाला अजीजो अकार वल वेने, अपने अबाओ अजदाद वल वेने कि मेरा बाबा की कहेगा। सुनियों वाबी हो गया, ये दियोबंदियों वाबी हो गया, शियों वाबी हो गया, ना ना मेरे वीरा इस वल ना वेख, वहाबी कोई अकीदा नहीं, ये जनाबे वाला वहाबी कोई जाती अकीदा नहीं, वहाबी कोई जाती शरीयत का नाम नहीं, ये मैं युति रसूला फकद अताला, ये नबी दी इताद का नाम वहाबी, अहले हदीस नबी दी इताद का ना है, अहले हदीस नबी दी फरमा बरदारी का ना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ईमान वाले हो इत्तकुल्ला मेरे कोलो डर जाओ, अल्लाह दे कोलो डर जाओ, जिवें डरन दा हक है ना, अल्लाह दे कोलो डरन दा हक की है, असी अल्लाह दे कोलो डर के नबी अलैहि सलाम दी इता तो फरमा बरदारी दे अंदर आ जाइए। और यकीन करो मामला इत्थों तक चला जाता है, अगर कोई बंदा रफाई दा नहीं करता तो करन लग जाए, किसी की बात नहीं, 2002 की बात है। और यकीन करो अहले हदीसा दे वास्ते बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमाना दे घर दे अंदर भी पैदा फरमाया, फिर उस तो बाद सब तो बड़ी ये बात है कि अल्लाह ने तुहानू पीर दिता जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन करो खुशनसीबी की बात है, 2002 गालबन 3 के अंदर जो मैं दारुल मुहम्मदिया गौसिया के अंदर दाखिल होया, कुछ अरसा गुजरिया तो लालियाँ चकदा एक मुंडा सी अल्लाह बख्श सियालवी, वो एक दिन मेरे नाल बैठा तो गल्लां करन लग पे, पीर कमरुद्दीन सियालवी साहब दियाँ सियाल शरीफ वाले पीर दियाँ, शायद तुसी भी नाम सुनिया होए, गल्लां करन लग पे तो मैनू ने पूछया, कहिंदा यार मुकद्दस तू किहदी बैत कीती? मैं क्या यार मैं किसी की बैत नहीं की। कहिंदा खुदा दे बंदिया फिर तेरा तो बेड़ा गर्क आपे होना। मैं क्या जी किस तरह? कहिंदा जिदा पीर कोई नहीं हुंदा उहदा पीर शैतान हुंदा। उहदा पीर कौन हुंदा? शैतान हुंदा। मैं क्या यार जे यह गल है तो कोई मामला तू ही सीधा कर मेरा। जो मेरा रात को छुट्टी हुई मदरसे चो, वह मैनू लैके चला गया सियाल शरीफ। हकीकत बात है कि यकीन करो जिहड़ा अहले हदीसा के घर के अंदर पैदा हुंदा ना, कम अज़ कम वो इन शिरक अला जुल्मुन अजीम, वो शिरक जैसे अजीम गुनाह तो बच जाता। यह हकीकत बात है। मैं गया पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब, जुमे वाले दिन आए, उन्हां दी बैत की। बैत करन तो बाद मैं क्या यार को हाफजा तेज़ नहीं होन दिया। मैं क्या यार कोई पीर कोलों, सलवी साहब मैं उन्होंने कहा कि पीर कोलों मैनू कोई वजीफा ही लै दे, कोई चार क लफ्ज़ लै दे जिहड़ा कोई बंदा पढ़ता रहे तो दिमाग तेज़ हो जाए। अगों वो मुंडा कहन लगा, अल्लाह दे बंदिया तू वजीफा की करना, तू पढ़ेगा कम मुश्किल पेश होएगी, तेनू मैं एक सौखा जहा इलाज दसदा, तू कम कर तो इंशाला तेरा दिमाग तेज़ हो जाएगा। बुजुर्गों गल बड़ी सुनने वाली, मैनू उन्हें की दसिया, मैनू कहन लगा कोई कागज़ फड़। मैं कागज़ या निकी जी परची लभी, वो परची भी मेरा ख्याल माचिस फड़ी एक, वो पिछला विचला पन्ना कढ़िया तो मैनू कहिंदा लै आ पीर साहब उठते ने ना, तो जितों पीर साहब ने उठना इतों जरा अं मारी तो जिनी क मिट्टी कट्ठी हो ना तो उन्होंने वलेट के पार दे मैं दसदा तेन। वो मिट्टी लै ली जनाब, मिट्टी लै ली मदरसे आ गए, उन्होंने पुड़ी जी बना के जेब च पा लिया। तो जो असी दारुलूम सरगोधे पढ़ते सानू आप कलोनी के अंदर, वह मैनू कहिंदा लो जी ये जिहड़ी मिट्टी है ना इहनू तुसीं लीटर वाली बोतल च पा लो,
पानी वाली बोतल लीटर पानी भरो बोतल दे अंदर, उहदे अंदर ये मिट्टी सुट लो, ओ मिट्टी उहदे अंदर सुट लो। ये जदों सवेर नूं तुसी अपना पीरियड च जाओ तो ये जनाबे वाला गलास एक पानी का फड़ना तो उहदे च कतरे चार क सुटने तेनू पी लैना। मैं क्या यार ये नाल की होएगा, कहिंदा चलिया ये पीरां दे पैरां दी मिट्टी है तेरे दिमाग दियां खिड़कियां खोल छड़े। ठीक है, इतों तक अल्लाह तला माफ़ फरमाए। और यकीन करो कि हूँ सोचीदा, मैं बजाते खुद अल्लाह तला माफ़ फरमाए, बैत की फिर साल बाद उरस होना, जुमे दी जुमे जाना, पीरां दी जनाब कदम बोसी फरमाउनी, अल्लाह खैर करे अल्लाह माफ़ फरमाए। और एक खुश नसीबी उन्हां लोगों वास्ते कि जेडे नबी अली सलातो सलाम की इता तो फरमा बरदारी के अंदर आ जाए। ये माशरा क्यों इन्ना खराब है, हर पासे अपनी रस्मों रवाज क्यों ने, क्योंकि जदों असी अल्लाह दे कुरान और नबी दे फरमान तो बाहर निकल जावांगे उदों साडे ईमान दा बेड़ा गर्क हो जाएगा, उदों साडे अंदर ईमान नहीं रहेगा, जहालत आ जाएगी। और यकीन करो मैं नाम नहीं लवांगा, चंबल दी बीमारी सुनी किसी ने? चंबल दी बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। फैसलाबाद एक बड़े नामवर आलमे दीन ने, मैं नाम इस तो नहीं लैना कि लोग ये समझते साडा नाम लैके तो अपने अपनी मशहूरी करवाना, चंबल पैरां ते होवे, चंबल पैरां ते होवे ते उहनां पैरां नूं हत्थ लाउण नूं दिल करदा, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। यकीन करो उहनां पैरां ते दवाई ला के मैं चंबल वाले पैर भी चुमदा रहा और फैसलाबाद की हदूद के अंदर चुमदा रहा। यह वजह की है, यानी कि उस वक्त तालिब इलमी दौर से नहीं सी पता अकीदत, जिदा सैयद सुप्तैन शाह नकवी हाफिज़ाहुल्लाह ताला वो कहते होंगे जी, ये जी बरेलवियां वाली अकीदत, देवबंदियां वाली मुहब्बत, ये भाबिया च आ जाए ना तो यकीन करो पूरी दुनिया के उत्ते तौहीद दा परचम बुलंद हो जाए। और बुजुर्गो हकीकत जे, मैं जदों कारी इमरान साहब सर शमीर मैं चला गया जुमा पढ़ाउण, नवा नवा एल हदीस होया, वो एक आदत बनी सी कि जदों अजान दूसरी हुंदी आ ओ अशहादो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अंगूठे चुमी दे आ, बुजुर्ग तुहाडे अरगे सी एक, वो मैं जुमा जदों दूसरा खुतबा देण वास्ते बैठा तो मुअज़्ज़िन ने जदों अजान दिती खुतबे वास्ते मैं बैठो कितने मैनू नहीं याद, मगर मैं माजरत कर ली उदों भी, वह मेरे को कितने कारी साहब इदा अंगूठे चुमेगा। वो बाबा जी एक बैठे से उन्होंने बड़ी तसली दे नाल तकरीर शकरीर सुनी, तकरीर शकरीर सुन के ना जी तसली नाल जदों मैं जमात खड़ी कराउण लगा तकबीर तो पहले बाबा जी एक खूंजे च कहिंदे इहदे मगर ते नमाज ही नहीं हुंदी, इहदे ते बिदती आ, ये तो बिदती। मैं हैरान हो गया, इस तो पहले भी एक मामला मेरे नाल एक मिर्चा वेचण वाला भाबियां च, यकीन कर लो ये जरूर है कि हदीसा का भी इलम हुंदा, कुरान दियां आयतों का भी इलम हुंदा, मगर नहीं हुंदा तो यकीन कर लो कई जगह पर प्रोग्राम ते एक जगह पर असी मजीद साहब के नाल जुमा पढ़ाउण गए एल दी सादी मस्जिद के अंदर, मैं बड़ी तसली दे नाल जुमा पढ़ाया, जुमा शुमा डेढ़ घंटा चंगा जोर जोर ला के जो थले उतरे बंदे सारे ही खाल साहब और तितर हो गए, किसे बंदे ने सलाम पानी नहीं पुछया किसी ने है। तो यकीन करो तुसी किसी दूसरे मसलक च चल जाओ ना, वो मौलवी नू चुक के सिर्फ जनाब इदा सिर ते नहीं पाउंदे, वैसे सिर तो भी तां लै जांदे, सिर्फ ये कि मेरी भी एक बरादराना मशवरा ही है कि जो कोई मौलवी आवे कम अज कम मुहब्बत करिया करो, भावें पहलों बरेलवी होवे बाद च अहले हदीस होवे भावें अहले हदीस होवे, मुहब्बत करनी चाहिए ना बुजुर्गो। अल्लाह के नबी अली सलाम की यह बड़ी प्यारी सुनत है और उसने अखलाक बड़ा अच्छा जड़ा ये ईमान का भी हिस्सा है, अल्लाह ताला सानू इहदे ते भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और यकीन करो जो बंदा नबी की सुनत नू छड़ेगा, रब दे कुरान और नबी दे फरमान नू छड़ेगा, मुहब्बत करो अकीदत करो जिवें मेरे नबी अली सलातो सलाम दे सहाब ने की, मेरे नबी दे सहाब ने किवें की, जंगे बदर का मौका, जंगे बदर का मौका तो अल्लाह दे नबी दे हाथ दे अंदर एक छोटी जी सोटी है। आओ जरा गौर करना, मुहब्बत वाला मामला मुहब्बत जिन्नी मर्जी करो मुहब्बत के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए, मुहब्बत तो बदनी चाहिए है, मगर मुहब्बत का एक अंदाज होना चाहिए है, मुहब्बत का अल्लाह के नबी अली सलाम ने और रब दे कुरान ने एक दायरा बना दिता है, रब दे कुरान ने एक दायरा बना दिता है कि उस दायरे के अंदर तुम रब नाल भी प्यार करो तो रब के हबीब नाल भी प्यार करो।
है, कहो सुभान अल्लाह। आओ मुसलमानों, अल्लाह दा कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह। आओ जरा अल्लाह दे कुरान ते गौर करिए, आओ जरा जंगे बदर वल चलिए। अज जनाबे वाला लोग, जनाबे वाला कोई पैरां नूं चुमदा, कोई कबरां नूं, कोई कबरां वल्लों पैरां नूं चुमदा। आओ जरा जंगे बदर दे अंदर चलिए, इधरों अल्लाह दे नबी अली सलाम, ए जनाबे वाला मेरे पैगंबरे कायनात सफा पै सिद्धियां करदे ने, सफा सिद्धियां करदियां करदियां हजरत सवादा रजी अल्लाह तआला अन्हु रजी अल्लाह, मेरे नबी दे सहाबा दा ईमान ते अकीदा की है ना, मेरे नबी अली सलाम दी मुहब्बत की है ना। इधरों जनाबे वाला मेरे नबी अली सलाम चलदे चलदे, ए जनाबे वाला तू अगे हो जा, तू पिछे हो जा, तू अगे हो जा, तू पिछे हो गया, चलदियाँ चलदियाँ मेरे नबी अली सलाम ये अपने सहाबी दे करीब आए, हजरत सवादा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे करीब आए। अल्लाह दे नबी अली सलाम ने इंज करके चोब लाई, इंज करके फरमाया तू सवादा पिछे हो जा अगे हो जा, अपनियां सफा नूं सिद्धियां कर लए। जदों एनी गल कीती हजरत सवादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए मेरे इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे नबी जनाबे वाला जदों इन्ना कम करके अगे चले, हजरत सवादा रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज कीती सोहणिया महबूबा, वजूहा दे चेहरे वाले आ, वलैल दियां जुल्फां वाले आ, माजाग दे काजल वाले आ, सोहणिया महबूबा ए तुसीं मैनू चोब लाई है, मैनू तकलीफ होई है, मैनू बड़ी दर्द हुई है, मैनू तकलीफ हुई है। जदों इन्नी गल हजरत सवादा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कीती, अल्लाह दे नबी अली सलाम फिर सवादा दे करीब आए उड़े आ, सवादा नू सवाल कीता वेगा, क्योंकि अल्लाह दे नबी दा कुरान गवाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरा नबी दे जनाबे वाला गैरां नू तकलीफ आ जाए, किसे जनाबे वाला गैर नू तकलीफ होवे, यहूदी दे पुत्र नू पावे बुखार चढ़ जाए, मेरा नबी ते ओदा पता भी लैन चला जांदा। मेरा नबी ते इंसानियत नाल जानवरां नाल मेरा नबी प्यार करन वाला। ए जनाबे वाला अल्लाह दे नबी सवादा दे करीब आए, हजरत सवादा रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने अर्ज कीती सोहणिया महबूबा, ए मैनू तकलीफ होई है, मैं तुहाडे कोलों बदला लवांगा। आओ ईमान वाले जरा गौर करदे जाणा मुहब्बत दा आलम की है। ए जनाबे वाला मेरे नबी दी बारगाह च अर्ज करदे ने सोहणिया महबूबा, ए जदों तुसी मैनू चोब लाई है, मैनू बड़ी तकलीफ होई है, ए मैनू बड़ी दर्द होई है, अल्लाह दे नबी अली सलाम दी बारगाह च अर्ज कीती सोहणिया मैं तुहाडे कोलों बदला लवांगा। इधरों दूसरे सहाबा खड़े बड़े परेशान होए ने, ए जंगे बदर पहली जंग है, ए जनाबे वाला पहली जंग दे मौके दे उत्ते की पिया करदा है। इधरों जनाबे वाला मैं तसव्वुर दी नज़र नाल वेखिया, ए जनाबे वाला सहाबा कूरियां वट दे होणगे सवादा, ओ किदे कोल बदले लैण दियां गल्लां पिया करदा है, ओ पैगंबरे कायनात दे कोलो तू बदला लएगा। इधरों जनाबे वाला हजरत सवादा ने अर्ज कीती सोहणिया महबूबा, अल्लाह दे नबी ने फरमाया लै सवादा मेरे कोलो बदला लै लै। इधरों सवादा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे सोहणिया, ए जनाबे वाला मेरे सहाबी अल्लाह दे नबी सामने खड़े ने, जदों नबी ने फरमाया ते हजरत सवादा अर्ज करदे ने सोहणिया महबूबा, ए जदों तुसी मैनू चोब लाईए, मेरे जिस्म ते कपड़ा मौजूद कोई नहीं, मेरे जिस्म ते कपड़ा नहीं, मेरे जिस्म ते कपड़ा नहीं, तुहाडे जिस्म मुबारक ते कपड़ा है ना। जदों अल्लाह अल्लाह दे नबी ने इनी बात फरमाई, ए जनाबे वाला इनी बात सुनी ते अल्लाह दे नबी ने फरमाया अगर तू चाहना है बदला लेना है, मैं अपने जिस्म तो जनाबे वाला कपड़ा चुक देना है। ए जनाबे वाला नबी ने छड़ी फड़ा दीती, ए सवादा ने जदों छड़ी पकड़ी, ए मेरे नबी ने अपने जिस्म मुबारक तो कपड़ा चुकया। जदों जिस्म मुबारक तो कपड़ा चुकया ते हजरत सवादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने नबी दे जिस्म जितों कपड़ा चुकिया, मेरे नबी नू जफ़ा पा लिया। जदों मेरे नबी नू जफ़ा पाया, अल्लाह दे नबी ने फरमाया से की पिया करदा है, अर्ज कीती सोहणिया महबूबा पता नहीं ए जंगे बदर दे अंदर आए आ, इधरों शैतान नू मनन वाले खलोते ने, इधरों रहमान नू मनन वाले खलोते ने। अर्ज कीती सोहणिया जिंदगी दा पता नहीं, ए देश जंग दे अंदर शहीद हो जाइए, आखिरी ख्वाहिश सी अल्लाह
दे नबी तुहाडे जिस्म दे नाल मेरा जिस्म मस हो जाए है ते मेरे नबी दी शान दी अकासी कैसी पंजाबी दा जनाबे वाला शायर के बीबी आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाले जिन्हों मेरा नबी बेमिसाल लगता वो बोले दूसरा नहीं बीबी आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाले गल मुकदरां दी की सुनावा आखे गलीमा मैं वारी जावा सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा ते सोनी चाले सोना मुखड़ा ते सोनी चाले सारी दुनिया चो बेमिसाले एक बारी जरा कह दो बेमिसाल है मिलके जरा कह दो जिन्हें नींद आई हो जरा उची कह दो ताकि नींद माही आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाले गल मुकदरां दी की सुनावा आखे गलीमा मैं वारी जावा सोना मुखड़ा सोना चेहरा ते सोनी चाले सारी दुनिया चो बेमिसाले अल्लाह दी कसम अहले हदीसां नू अल्लाह ने इजाज़ बख्शिया है कि तुहाडा उठना बैठना साढ़े अंदर कमी हो सकती है साढ़े अंदर कमी हो सकती है साढ़े अमीरे मोहतरम के अंदर कमी हो सकती है मगर खुदा की कसम जे अहले हदीस मसलक के अंदर कमी बोलो तो सही कभी नहीं हो सकती और यकीन करो जेड़ा मेरे नबी अली सलाम दी बारगाह दे अंदर कोई किसे पीर नाल प्यार करदा कोई किसे नाल कोई गोल्डा शरीफ नाल कोई सियाल शरीफ नाल कोई शरगपुर शरीफ नाल कोई कुत्ते वाली सरकार कोई खोते वाली सरकार नाल और अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम दी बारगाह च एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी जी जन्नत दे अंदर मैनू तुहाडे नाल बड़ा प्यार है तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत है अल्लाह दे नबी अली सलाम जी जन्नत दे अंदर तुहाडी ज़ियारत दी लोड़ पवे तुहाडे करीब आउण दी लोड़ पवे ओ केड़ी शै जिहड़ी तुहाडे करीब लैके जाएगी अल्लाह दे नबी ने सवाल फरमाया कि तू जन्नत च जाण वास्ते की तैयार कीता है अल्लाह दे नबी रोज़े भी रखे हज भी कीते ज़कातां भी देना अल्लाह दे नबी अली सलाम दी बारगाह चर्ज की सोनिया तुहाडे नाल मुहब्बत भी करदा ते अल्लाह दे नबी दा कुरान गवाह फरमाया मन युति रसूला फकत अता अल्लाह किते रब दे कुरान ने गवाहियां दित्तियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रब दा कुरान गवाह है अल्लाह दे कुरान ते अज अमल कर लो नबी दे फरमान ते अमल कर लो अज जिहड़ा रब दे कुरान और नबी दे फरमान ते अमल करेगा वह जिंदगी दे अंदर भी कामयाब है ते कल नबी दे हत्थों हौदे कौसर भी नसीब हो जाएगा अल्लाह दे नबी ने जदों सवाल कीता सारा कुछ कीता है मगर अल्लाह दे नबी मैं तुहाडे नाल मुहब्बत भी करदा मेरे नबी अली सलातो सलाम ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयू यू हा वाली जुबान चो फरमाया तू जिदे नाल मुहब्बत करदा है कल कयामत दे रोज जन्नत च भी उहदे नाल ही होएगा ते असीं अल्लाह दे फज़ल नाल मुहब्बत किदे नाल करदे आ बोलो ते सही किदे नाल मुहब्बत करदे आ अल्लाह दे नबी दे नाल मुहब्बत करदे आ और यकीन करो जिहड़ा इखलास दे नाल कुरान और हदीस दे मुताबक नबी नाल मुहब्बत करदा है नबी नाल प्यार करदा यकीन करो वह जन्नत दे अंदर भी मेरे नबी दे नाल ही होएगा किदे नाल होएगा मेरे नबी दे नाल हजरत जी वकारे दुनिया दे पंगे ये जड़े आइमा इकराम वाला रौला है ये अपनी जगह ते है मेरे नबी अली सलातो सलाम दी शरीयत मेरे नबी दी सुन्नत ही राह निजात है और रब दे कुरान ने गवाहियां दे दितियां कि अला सिरात मुस्तकीम मेरा नबी सिरात मुस्तकीम ते है इस नबी दी पासदारी करोगे इस नबी दे नक्शे कदम ते चलोगे इस नबी दी इतात करोगे ते इंशाल्लाह कामयाब कामरान हो जाओगे और खुश नसीबी है साढ़े वास्ते असी अल्लाह दे घर दे अंदर बैठे हाँ कितने बैठे हाँ अल्लाह दे घर दे अंदर और यकीन करो जिन्हां ने ये रब दा घर बनाया है अल्लाह ने जन्नत दे अंदर उन्हां दा घर बना देना कितने बना देना जन्नत दे अंदर और तुहाडे वास्ते एक बड़ी कीमती और खुशखबरी वाली बात है और जिंदगी दे अंदर रब दे घर दा काम जिस बंदे नूं मिल जाए रब दे घर दी खिदमत जिन्हों मिल जाए
रब दे घर दे अंदर सफाई करन वाली बीबी है ना अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम नू ते ओ भी बड़ी प्यारी लगती है ते जेड़ा रब दा घर बनावे ओ मेरे नबी नू किन्ना प्यारा लगदा होएगा। साढ़े मोहतरम मुंडा पिंड चों समी साहब आए ने ते बड़ी प्यारी मस्जिद बना रहे ने 45 लाख रुपया उस मस्जिद के अंदर अलहमदुलिल्लाह लग चुकिया और घट तो घट लेंटर पैना तो 500 बोरी जड़ी लेंटर दे अंदर लगनी किन्नी लगनी है बोलो तो सही लैना देना तो मुकदरा का किन्नी 500 बोरी लेंटर दे अंदर लगनी है पिंड के हिसाब नाल बंदियां दे हिसाब नाल 500 तो नहीं कोशिश करके असी 50 बोरियां जड़ियां ने बड़िया ने जी अपने वास्ते बड़िया ने बोलो तो सही कहो हाँ जी इंशाला इंशाला तो कहो देनिया तो रब ने ही है क्योंकि साढ़ा तो मुश्किल कुशा भी कौन है तो साड़िया बेड़िया बनाने वाला भी कौन है उची तो बोलो सानू रिजक के खजाने साढ़े खोलन वाला कौन है अल्लाह की जात है तो सानू देना भी किन्ने आ अल्लाह ने अल्लाह के घर वास्ते आए हैं और अल्लाह के घर वास्ते इंशाला लैना तो 50 बोरिया का इंतजाम असी रल मिल के सारे भाई जिन्हें बैठे हैं कर लीए तो कोशिश करके सारे साथी जेड़े तो बोरिया दे सकते उत्थे पहुँचा सकते वो बोरिया का इंतजाम कर दौ कोई 2 बोरियां कोई 5 बोरियां कोई 10 बोरियां अगर कोई कट्ठियां 50 देना चाहता है वो कट्ठियां भी 50 दे सकता है तो जरा समी साहब खुद आए ने और यकीन करो अल्लाह के घर के अंदर साडा जिहड़ा माल खर्च हो जाना साढ़े गली मुहल्ले के अंदर वेखो किन्ने मकान बने ने किन्ना किन्ना पत्थर लगा यकीन करो जिन्ना मर्जी पत्थर महंगा हाँ जी 5 बोरियां की नाम इमरान इमरान साहब वालों जी 5 बोरियां माशाला लो आ जी माशाला 1000 रुपया ये तकरीबन 1.5 बोरी ये होगी अल्लाह खैर करे तो साथी जेडे बैठे ने कोशिश करो कि ज़्यादा तो ज़्यादा इस मामले के अंदर हिस्सा करिए और बड़ा बड़ा मरकज़ बन रहा मदरसा भी बन रहा सुंदर गार्डन के अंदर और मस्जिद भी बन रही बड़ा वसी ओरीज ये जड़ा मदरसा मस्जिद बन रहा तो सारे साथी कोशिश करो नहीं खौफ ज़्यादा जाओ के मेरे हल देखन लगे हो भी पता नहीं की मामला अल्लाह खैर करे सुबहान अल्लाह हाँ माशाला जी माशाला और ये अल्लाह के घर का जोड़ा काम है ना जी ये भी अलहमदुल्ला असी इदा रल मिल के करना यकीन करो साढ़े पिंड के अंदर 66 धांधरे के अंदर एक सतगुरु बादशाह का दरबार बनया बजुर्गो यकीन करो वो लंदन चे पैसे आते हैं पिंड बाबा गुरु साहबां का बाबा फजल लाई वो पिंड एक बार ऐलान करते ना दरबार वास्ते पैसे चाहिए आ यकीन करो कि बीबिया अपने घर के भड़ोले खाली करके लै आदियाँ लो जी आ लैके जाने ने उत्थे बाबा जी के दरबार से तो उत्थे लाया काम नहीं आना काम वो ही आना जिहड़ा अल्लाह के घर के अंदर लाया इंशाला तो जिन्हां साथियों के घर के अंदर रह गए ने नहीं बाई चांस इसदा हुंदा कि बंदा जल्दी के अंदर माशाला जी वो कोशिश करके अपने जिहड़े आजी फौजी असलम साहब ने इन्हों दे दौ ये इंशाला समी साहब नाल मुलाकात करनगे और जिहड़े साथी शौक रखते आ वो जनाब जाके सुंदर गार्डन देखन ताकि देखन नाल होर ज़्यादा ईमान ताज़ा होएगा कि अल्लाह दे दीन दा काम हो रहा अल्लाह दे अगे दुआ करो कि अल्लाह उस काम नू पाए तकमील तक पहुँचाए अल्लाह साडा इत्थे आउणा कबूल फरमाए अल्लाह सुनना सुनाना कबूल फरमाए और सब तो मेन और अहम दुआ दुआ करो अल्लाह मैनू भी मसल के हक अहले हदीस कबूल किया अल्लाह इस्तकामत अता फरमाए और यकीन मेरे नाल सैफुल्ला फरूकी साहब वो ही सी सैफुल्ला फरूकी साहब खास साहब मेरे नाल मेरे तो पहले अहले हदीस होए चोले के अंदर आरफ शाकर साहब की मस्जिद के अंदर साडा प्रोग्राम होया कट्ठे तकरीर कर कुर के वह जरा वाहवा सेहतमंद मौलवियों वाला स्टाइल से उन्होंने वाहवा मोटे ताजे से असी बह गया खाना खाधा बुजुर्गों तो मैनू हूँ समझा रहे मैनू कहते कि पुत्र ये तू भाभी हो गया ये लोग जड़े ना ये बहुत जड़े सख्त जहा लोग ने इन्हां चो मेरा पुत्र लभदा लुभदा कोई नहीं ये आए मौलवी नू पानी पुछदे आ रोटी खवांदे ते उहदी गड्डी ते उहनू वापस भेज देंदे आ मैं कहा जी ठीक हो गया पुत्र तू कित्थे पढ़िया सारा कुछ मैनू उन्होंने पूछया लो साल डेढ़ तो बाद पता लगा कि वह फिर वापस जनाब बरेलवी हो गया वह फिर बरेलवी हो गए मेरा उन्होंने राबता होया सईद अंसारी साहब ने चपाल दे उन्हों का बेटा यासर मैनू ने नंबर दिता कहता कि इदा इदा वो वापस चला गया यार तो पता करिए बनया कि मैं उन्होंने फोन किया मैं क्या जी सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैं क्या हजूर तुहाडा टाइम चाहिए कहता जी मेरा टाइम कितों चाहिए तुहानू कितों तुसी बोल रहे मैं क्या फैसलाबाद तो बोल रहा और हकीकत और सच्ची बात है मस्जिद के अंदर मैं तो यासर सईद बैठे कॉल की ओपन आवाज़ करके क्या जी फैसलाबाद टाइम तुहाडा चाहिए वह कहता जी मिल जाएगा
मगर मेरा टाइम तुहानू मिलेगा शेख कलूनी जामिया अमीनिया रिजविया के सही दस साहब के मदरसे चो। मैं कहा जी ठीक है, मैनू हुण सारिया के नाम आते सी। मैं कहा जी तुहाडा टाइम अशरफ सईद साहब को मिलेगा, जिशान साहब को मिलेगा, अकरम साहब को मिलेगा या उस्ताद सईद साहब को लड़ा। वह कहिंदा जी माशाल्लाह तुसीं ते अपने ही बंदे लगते हो। मैं कहा जी बिल्कुल अलहमदुलिल्लाह असीं अपने ही हाँ, मेरी तुहाडी अगे भी मुलाकात हुई। कहिंदा जी कित्थे मुलाकात हुई? मैं कहा जी तुहाडी मेरी चोले मुलाकात हुई, तुसीं वी आले दीस होए सी ते मैं वी। तो मैं क्या हजूर आ कि बदबख्ती तुम कर दी? लो यकीन करो वो पता नहीं मेरा नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिता, वो नंबर उस तो बाद नहीं चलिया। और इस तो बड़ी बात की है, सैफुल्ला फरूकी आले दीस होया, अल्लाह पाक ने उन्होंने बड़ी इज्जत दी, बड़ी उन्होंने शान मिली। सैयद सत्यान शाह नकवी साहब, कारी अब्दुल हफीज साहब, उन्होंने बड़ा उन्होंने जनाब चुकया और बड़ी उन्होंने इज्जत दे नाल नवाजिया, बड़े बड़े स्टेजा के उत्ते उन्होंने नाल पढ़ाया। यकीन करो उस तो बाद वो बेरे शरीफ जाके उन्हें बैत की, उस तो बाद पता ही नहीं उस बंदे दा वो बंदे नू जमीन खा गई या आसमान निकल गया। हजराते जी वकार खुश नसीबी की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू अहले हदीसा के घर के अंदर पैदा फरमाया। और सब तो बड़ी बात जे कि अहले हदीसा के घर आए हो तो कुरान सुन्नत वाले घर के अंदर आए हो। ये इमाम साहब मैं गलत हो सकता, मेरी बात गलत हो सकती, मगर मसल के अहले हदीस गलत नहीं हो सकता। अल्लाह के अगे दुआ करो अल्लाह सानू सब नू इस्तकामत अता फरमाए। दुआ करो नी بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ربنا يا رب العالمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب العالمين يا أحكم الحاكمين يا रब्बे जुल जलाल साडा आना बैठना सुनना सुनाना कबूलो मंजूर फरमा। या अल्लाह करीम जिन्हें भी मुसलमान मर्द औरतां बच्चे बूढ़े इस दुनिया फानी तो चले गए अल्लाह सब दी मगफरत फरमा। या रब्बुल आलमीन जिन्हें भी बीमार ने सबनों शिफाए कामिल अजला नसीब फरमा। अल्लाह जी इस मस्जिद के अंदर जिन्हें भी आए बैठे हैं अल्लाह तेरी रजा वास्ते आए हैं। या रब्बुल आलमीन असी बड़े गुनाहगार बड़े सियाकार बड़े बदकार हाँ, या रब्बुल आलमीन अपनी रहमत दे नाल साडा आना कबूल फरमा। अल्लाह साढ़े तमाम कबीरा सगीरा गुनावां नूं माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन जिन्नी जिंदगी बाकी है सानू नबी अलैहिस्सलाम दी शरीयत ते चलन दी तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जिंदा रहिए तौहीद ते, या रब्बुल आलमीन जिन्नी भी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम दे उसवाए हसना ते चलन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु من الظالمين صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين।